नमस्कार, आप देख रहे हैं जी बिजनेस, आपके साथ मैं हूं अनुया। रेल हमारे देश में सफर करने का सबसे पसंदीदा और सस्ता साधन है। हर दिन करोड़ों लोगों को भारतीय रेल एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है। त्योहारों पर तो ऐसा लगता है कि जैसे पूरा देश बस सफर कर रहा है। किसी को घर जाना होता है, किसी को अपने रिश्तेदारों से मिलना होता है, तो कोई छुट्टी मनाने कहीं घूमने जा रहा होता है। लेकिन अब हो सकता है कि त्योहारों पर रेल का सफर महंगा हो जाए। जी हाँ, आपका शुभ सफर महंगा हो सकता है, क्योंकि रेलवे तैयारी कर रहा है कि जिस तरह पीक सीजन में फ्लाइट्स के टिकट महंगे हो जाते हैं, उसी तर्ज पर रेल टिकटों के दाम भी बढ़ा दिए जाएं। एक बड़ा पैनल हमारे साथ मौजूद है, उनसे बातचीत करेंगे। मेरे सहयोगी समीर भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। भारतीय रेल दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क, जिसमें हर दिन करीब 2.25 करोड़ यात्री सफर करते हैं। रेल यात्रा आरामदायक होने के साथ सस्ती भी है, इसीलिए ये हिंदुस्तान में यात्रियों की पहली पसंद बनी हुई है। त्योहारों के मौके पर तो इसकी डिमांड और भी बढ़ जाती है, लेकिन बहुत जल्दी ही आपकी शुभ यात्रा महंगी यात्रा हो सकती है, और वो भी खास त्योहारों और छुट्टियों के सीजन में। त्योहारों के दौरान महंगा हो सकता है टिकट, फेस्टिवल सीजन में हो सकती है जेब ढीली, जितनी भीड़ उतना महंगा टिकट। फ्लाइट्स की तरह ट्रेनों में डायनेमिक प्राइसिंग, जी हां, फ्लाइट्स की तरह ही रेल का किराया भी मांग अधिक होने पर बढ़ सकता है। त्योहारों में महीनों पहले से ही रेल टिकट की मारामारी बढ़ जाती है। इसे देखते हुए रेलवे बोर्ड फ्लाइट्स की तर्ज पर डायनेमिक प्राइसिंग शुरू करने पर विचार कर रहा है। अगर ऐसा हो जाता है तो दिवाली, दुर्गा पूजा जैसे त्योहारों के दौरान रेल टिकट के लिए आपको ज्यादा किराया देना होगा। वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक के दौरान रेल मंत्री पीयूष गोयल और रेलवे बोर्ड ने एयरलाइंस की तरह ही मांग आधारित किराया तय करने की जरूरत बताई थी। रेलवे बोर्ड के अधिकारी 31 दिसंबर तक फ्लेक्सिबल डायनेमिक प्राइसिंग के ब्लूप्रिंट को आखिरी रूप दे सकते हैं। रेलवे के 3 जोन पूर्वी, पश्चिमी और पश्चिम मध्य ने इसको लेकर सुझाव तैयार किए हैं। इसमें मांग आधारित किराया फिक्स करने के तरीके बताए गए हैं। त्योहारी मौसमों और डिमांड वाले दिनों में अतिरिक्त प्रीमियम शुल्क लगाने का प्रस्ताव है। ये शुल्क 10-20% हो सकता है। प्रेजेंटेशन में सुझाव दिया गया कि वीकेंड और दिवाली, दुर्गा पूजा, छठ और क्रिसमस जैसे मौकों पर अतिरिक्त किराया निर्धारित किया जा सकता है, क्योंकि इन मौकों पर मांग ज्यादा रहती है। अगर ऐसा हो जाता है तो त्योहारों और हॉलीडे सीजन में आपको ज्यादा किराया देना पड़ सकता है। इसके अलावा अगर कोई यात्री किसी मार्ग पर दूसरी ट्रेनों की तुलना में हाई स्पीड ट्रेन का चयन करता है तो उसे अतिरिक्त किराया चुकाने को कहा जा सकता है। अतिरिक्त किराया हाई स्पीड से यात्रा करके बचाए गए प्रति घंटे के हिसाब से तय हो सकता है। रात में चलने वाली ट्रेन, पेंट्री कार की सुविधा वाली ट्रेन पर भी प्रीमियम शुल्क लगाने का प्रस्ताव है। इसके अलावा अलग अलग बर्थ के लिए भी अलग अलग किराए का प्रस्ताव दिया गया है। यानी रेलवे हर साइड से आपकी जेब ढीली कर सकता है, लेकिन इसके साथ एक थोड़ी सी राहत भरी खबर भी है, वो ये कि ऑफ सीजन में आपको किराए में कुछ छूट मिल सकती है। रेलवे अधिकारियों ने शुरुआती चरण और अंतिम चरण में खाली सीटों के किराए में 10-30% छूट देने की सलाह दी है। इसके अलावा अगर ट्रेन असुविधाजनक वक्त, जैसे रात के 12 बजे से सुबह 4 बजे और दोपहर 1 बजे से शाम 5 बजे तक आपके डेस्टिनेशन पहुंचती है, तो भी आपको थोड़ी छूट मिल सकती है। 31 दिसंबर को रेलवे इस बात पर फैसला ले सकता है कि त्योहारों पर आपकी जेब कितनी एक्स्ट्रा ढीली की जाए। हालांकि इस बात की कोई गारंटी नहीं दी गई है कि आपकी यात्रा सुरक्षित होगी, ट्रेनों में खाने की क्वालिटी क्या होगी, ट्रेनें टाइम पर पहुंचेंगी या नहीं। अगर ट्रेन लेट पहुंचती हैं तो क्या रेलवे यात्रियों को कोई कॉम्पनसेट करेगा? रेल यात्री किराए के साथ नए नए प्रयोग करके सरकार का लक्ष्य यही है कि रेलवे की आमदनी झोली भी बढ़े और साथ में लोगों की नाराजगी का भी कम से कम सामना करना पड़े। कैमरामैन विकास के साथ समीर दीक्षित, दिल्ली, जी मीडिया। तो रेलवे ने अपना रेवेन्यू बढ़ाने की तो पूरी तैयारी कर ली है, लेकिन अब ये भी रेलवे को समझना होगा कि कितना लोग प्रेफर करते हैं इस ड्यूअल प्राइसिंग को। लेकिन सबसे पहले मैं आपको यहां पर कुछ इन्फॉर्मेशन दिखा देती हूं। देखिए, 31 दिसंबर के लिए अगर आप दिल्ली मुंबई का टिकट लेते हैं तो फर्स्ट एसी का जो किराया है राजधानी एक्सप्रेस का, वो आता है 5,430 रुपए। लेकिन अगर आप हवाई सफर करते हैं तो वो करीब करीब 3,500 रुपए। एक
एक और इम्पोर्टेंट चीज आप यहाँ पर देखिए, राजधानी एक्सप्रेस फर्स्ट एसी जो हमने आपको 5,430 बताया, विस्तारा की टिकट मैंने आपको बताई थी, स्पाइसजेट की टिकट जो है वो भी यहाँ पर ट्रेन की टिकट से सस्ती है, यानी कि कोई भी फिर क्यों प्रेफर करेगा यहां पर ट्रेन में सफर करना। समय आप देखिए, राजधानी एक्सप्रेस में जहां 16 घंटे आपको खर्च करने होंगे सफर में, वहीं फ्लाइट से आप करीब करीब 2 घंटे में दिल्ली से मुंबई पहुंच जाएंगे और पैसा आपको यहां ट्रेन से काफी कम देना होगा। और यही वो सवाल है जो हम सबके मन में भी आ रहा है कि अगर समय इतना लगना है, फिर समय की बचत कोई आदमी अगर करना चाहता है तो पैसे भी उसके बच रहे हैं अगर वो फ्लाइट से सफर करता है तो। ये जब हमने लोगों से पूछा तो सुनिए आप उनका रिएक्शन क्या था। रेल किरायों को लेकर जो नए नए प्रयोग फिलहाल विचार कर रही है रेलवे मंत्रालय, इस पर लोगों की क्या राय है, मुसाफिरों को क्या मानना है, कितना सही कितना गलत, हमारे साथ बात करने के लिए तमाम रेल मुसाफिर यहां पर हैं। नया प्रयोग जिस पर विचार चल रहा है कि ड्यूअल प्राइसिंग, यानी कि डिमांड ज्यादा है तो किराया ज्यादा, डिमांड कम है तो डिस्काउंट, कितना सही कितना गलत? सर अभी तक तो हमें बिल्कुल ये पसंद नहीं आ रहा है, क्योंकि जितनी बार भी रेल किराए बढ़ाए गए हैं उन टाइमों पे हम लोगों को उतनी फैसिलिटीज़ अभी तक हमें दिखाई नहीं दे रही हैं, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा ट्रैवल करता हूँ ट्रेन से, तो बहुत बार इन्होंने किराए बढ़ाए हैं लेकिन हमेशा वही गंदगी हर जगह पे, वही ट्रेन के अंदर अगर आप चले जाओ कोई फैसिलिटीज़ नहीं मिलती हैं, लोग करप्शन के अंदर लिप पाए जाते हैं। किराए के अकॉर्डिंग जो फैसिलिटीज़ इनको देनी चाहिए पैसेंजर को वो नहीं मिल रही हैं, एंड यूज़र को जो फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही हैं। ट्रेन के अंदर टिकट ही नहीं मिलते हैं, ठीक है ना, अब मेरे को यहाँ से अगर मान लो लुधियाना जाना है, अब मेरे को टिकट ही नहीं मिलेगा और कोई साधन ही नहीं है, तो अब उसके अंदर मैं क्या करूँ? तो लोगों की भी परेशानियां बहुत सारी है, कई बार टिकट आपको नहीं मिलती है, सफर बहुत लंबा होता है और परेशानियां भी बहुत सारी हैं। इन सब के सवाल हम तलाशने की कोशिश करेंगे। तीन खास मेहमान मेरे साथ हैं, एसके विद साहब हैं, फॉर्मर मेंबर हैं रेलवे बोर्ड के, साथ ही साथ राहुल वर्मा फाउंडर हैं उदय फाउंडेशन के, वो भी हमसे यहाँ बातचीत के लिए जुड़ गए हैं। प्रणब सरकार प्रेसिडेंट हैं इंडियन एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स के, उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि क्या पिछले सालों में रेल में सफर करने वाले लोगों की संख्या बड़ी है, क्या उनकी चाह यहां पर बड़ी है। और समीर दीक्षित जो खुद रेलवेज कवर करते हैं वो भी हमारे साथ यहां पर जुड़ गए हैं। रेलवे समीर, सबसे पहले तो ये बताइए कि ये जो ड्यूअल प्राइसिंग सिस्टम है जिसकी बात सरकार यहां पर कर रही है, इसमें परेशानी आखिर क्या है और क्या ये कंज्यूमर के हित में है या फिर एक बार फिर वही पुरानी चीज की रेवेन्यू तो बढ़ जाएगा रेलवेज का लेकिन कंज्यूमर को उतना फायदा नहीं होगा? वाजिब सवाल अनुया। देखिए इसमें यह है कि जो प्रस्ताव जिस पे विचार किया जा रहा है उसमें यह है कि जो नॉन पॉपुलर ट्रेन होंगी और अगर आप ऐसे डेस्टिनेशन में जाते हैं जहां जिसको लेकर डिमांड कम है या वहां का ट्रैफिक वॉल्यूम कम है तो उसको लेकर डिस्काउंट देने का प्रस्ताव है, वहां को लेकर कुछ आकर्षक स्कीम रेलवे ला सकती है। लेकिन जो जिस तरीके का प्रस्ताव सामने है उसको देखकर यही लगता है कि इससे जो भी फायदा होगा, यात्रियों को जो फायदा होगा वो चुनिंदा जोन तक ही सीमित रहेगा। अगर आप देखें जो लार्जर ट्रैफिक वॉल्यूम है वो अभी भी मेट्रो शहरों को लेकर है और जो जिन जोन्स पर सबसे ज़्यादा दबाव है वहाँ को लेकर कोई भी आकर्षक स्कीम लागू होती ही नज़र नहीं आ रही, क्योंकि डिमांड जो है वो साल के 12 महीने एक सी बनी रहेगी। आप कभी भी कंफर्म टिकट पहले अटेम्प्ट में आपको नहीं मिलता है, वेट लिस्टेड टिकट सभी में रहता है। तो ये वाला जो तर्क है कि नॉन पीक सीजन में या डिमांड कम होने पर आपको कुछ डिस्काउंट या फिर आपके फेयर्स में रियायत मिलेगी, ऐसा होता वो नज़र नहीं आता है। एक और अहम बात जो इस प्रस्ताव में अगर आप देखें तो ये कहता है कि जब त्यौहार होगा या जब डिमांड ज़्यादा बढ़ेगी तब हम किराए को बढ़ा देंगे, तो इसका पैमाना क्या होगा उसका भी अभी स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि केवल और केवल अपनी झोली यानी कि रेलवे की झोली को ज़्यादा भरने का ये जरिया नज़र आ रहा है, फ्लेक्सी फेयर को किसी और रूप में एक नए लेवल में पेश करने की तैयारी ज्यादा नजर आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल। विद साहब आप क्या मानते हैं, जैसा कि समीर ने यहाँ पर कहा कि ये तो वही बात हो गई, फ्लेक्सी फेयर को आप एक नए रंग रूप में यहाँ पर पेश कर रहे हैं। फ्लेक्सी प्राइसिंग को लेकर हमने देखा था कि बहुत सारी सीटें जो है ट्रेनों में वो खाली जाती थी। डू यू थिंक सर कि ये सक्सेसफुल होगा ड्यूअल प्राइसिंग? देखिए ऐसा तीन समस्याएं हैं, एक तो रेलवे का पैसेंजर ट्रैफिक से रेवेन्यू में अबाउट 50% का लॉस है, रेलवे को वो रेवेन्यू बढ़ाना है ये जरूर पक्की बात है, ये चीज़ें ओरिजिनेट उसी वजह से हो रही हैं। बट आप उसके साथ साथ देखेंगे कि अच्छी ट्रेनें फास्टर ट्रेनों में प्रेशर ज़्यादा रहता है, टूरिस्ट सीज़न में त्योहारों के टाइम पर प्रेशर ज़्यादा रहता है,
तो रेलवे ने आम किराया बढ़ाने की बजाय में ये सोचा लगता है कि उस चीज़ को एनकैश किया जाए और उस चीज़ को इम्पॉर्टेंट ट्रेन्स के लिए ज़्यादा बढ़ाया जाए और लेस इम्पॉर्टेंट ट्रेन्स में थोड़ा कम बढ़ाया जाए। और जो नॉन पीक सीज़न में जो यूटिलाइजेशन कम होती है जिसकी वजह से ट्रेनें कुछ खाली भी जाती हैं, लोग अपना जर्नीज प्लान करें, क्योंकि हर एक टोटल ट्रैवल कोई त्यौहार या कोई टूरिस्ट पर्पज़ के लिए नहीं होता, कोई ज़रूरतें भी होती हैं या कोई ठीक है परिवार से मिलना जुलना वो चीज़ें भी होती हैं, लोग उसको प्लान कर लेंगे, तो ये इससे टोटल अवेलेबिलिटी ऑफ सीट्स भी इम्प्रूव होगी और रेलवे का कुछ रेवेन्यू बढ़ेगा, वो ज़रूरी है, क्योंकि रेलवे का इंटरनल जनरेशन जो रेवेन्यू अगर कम ही रहेगा तो रेलवे को सेंट्रल गवर्नमेंट भी कितना सपोर्ट करती रहेगी। रेलवे को नॉट ओनली इकोनॉमिकली सस्टेनेबल रहना है, रेलवे को ग्रो करना है, एक मास ट्रांसपोर्ट का चीप तरीका ये है। जहाँ तक आपने एग्जाम्पल दिया विस्तारा की फ़्लाइट का कास और फर्स्ट एसी का कास, वो देखिए पिछले आप अगर 20 साल के रिकॉर्ड में भी जाइएगा तो एसी ट्रैवल में रेलवे जो है कम पैसेंजर्स कैरी करती है दैन एयरलाइन कैरी करती है। ये तकरीबन 20 साल से दिल्ली बॉम्बे के बीच में ये पोजीशन है, क्योंकि एक तो कोई क्लाइंटल ऐसा है जो कि प्रेफर करता है और दूसरा चीज़ ये है कि आफ्टरऑल रेलवे का किराया जो है पिछले कोई 20 सालों से जो बड़ा है वो फर्स्ट एसी में ज़्यादा बड़ा है, सेकंड एसी में ज़्यादा बड़ा है, थर्ड एसी में या सेकंड क्लास में नहीं बढ़ाया गया। अगर पिछले आप 7-8 साल भी देखें, ये इम्प्रेशन मिलता है पब्लिक से कि लोग सुविधाएं इम्प्रूव करने के साथ साथ ज़्यादा किराया देने के लिए तैयार हैं। अब उन सुविधाएँ उतनी स्पीड से या जो लोगों की आशाएँ बढ़ती जा रही हैं उसको मैच नहीं कर पा रही हैं, बट फिर भी एक टोटल जनरल किराया बढ़ा देना उस चैलेंज को बहुत बड़ा समझ करके ये दूसरा तरीका सोचा जा रहा है। एयरलाइन को एक्चुअली रेलवे से कंपेयर करना, वो समय भी कम लेती है, आपको सुविधाएं भी ज्यादा देती है। फ्लेक्सी फेयर जरूर यहाँ पर रेलवेज ने शुरू की थी ये स्कीम पिछले साल सितंबर में, और फायदा भी हुआ, रेवेन्यू भी बढ़ा, यात्री संख्या भी बढ़ी सर, लेकिन फिर भी कंप्लेंट्स बहुत सारी रही यात्रियों की, क्या उस पर रेलवे को गौर नहीं करना चाहिए? देखिए ऐसा है, कंपेयर तो रेलवे और फ्लाइट में यही कंपैरिजन है कि टाइम की बचत की। बाकी देखिए अगर दिल्ली बॉम्बे का टोटल ट्रैवल टाइम फ्रॉम होम टू होम अगर देखा जाएगा तो वो अबाउट बाई एयरलाइन अबाउट 6 घंटे होगा और बाई ट्रेन अबाउट 18 घंटे होगा। इतना फ़र्क ज़रूर है, पर कुछ लोग प्रेफर करेंगे कि ओवरनाइट जर्नी अगर हो जाए, जैसे कि कुछ ट्रायल्स हुई थी अबाउट कोई 6 महीने पहले ख़त्म हुई थी, वो टेल्गो ट्रेन स्पेन से कुछ रेक मंगवा करके जिससे 3-4 घंटे टाइम सेव होता है, तो मैं मानता हूँ उससे रेलवे का ओवरनाइट ट्रैवल का फर्स्ट एसी तक का भी ग्रोथ भी हो सकता है। बट ये चीज़ें डायनेमिक चीज़ें हैं, ये लोग चूज करते हैं, ऑप्शंस बहुत बढ़ रही हैं, रोड्स की पोजीशन इम्प्रूव हो रही है, एयरलाइंस में ग्रोथ है 18-20%। असली परेशानी तो ये है कि त्योहारों के समय पर जब लोग अपने घर जाना चाहते हैं तो बहुत बार जब उन्हें टिकट नहीं मिलती है तो घंटों खड़े होकर भी वो सफर करने को तैयार हो जाते हैं। राहुल, मैं आपको इस बीच लाना चाहूंगी, क्या ये नहीं होना चाहिए कि ड्यूअल प्राइसिंग, फ्लेक्सी प्राइसिंग, ज्यादा रेवेन्यू जहां एक तरफ रेलवे कमाने की कोशिश कर रही है, कहीं फोकस होना चाहिए, ट्रेन बढ़े, यहां पर सीटें बढ़ाई जाएं, इस पर ज्यादा फोकस नहीं होना चाहिए? देखिए रेल जो है ना हमारी आम आदमी से जुड़ी हुई है, हम जितने भी नॉर्मल लोग हैं, मतलब जो एलीट क्लास नहीं है, एक लाइफ लाइन है हम लोगों की। सो मैं ये चाहता हूँ कि अगर आप प्राइस बढ़ाते हैं, साल का जो भरते हैं जो भी होता है वही रहना चाहिए, हम इसको फ्लक्चुएट ना करें। एक मजदूर है दिल्ली में काम कर रहा है इतने सालों से, एक फेस्टिवल का टाइम आता है वो हफ्ते भर के लिए अपने घर जाना चाहता है, कुछ करना चाहता है, उसके लिए ये चीज मतलब मेरे को नहीं लगता है। एंड फैसिलिटीज की बात है वो तो ऑब्वियसली वो तो हमारा हक है, मतलब हम पैसा दे रहे हैं आपको, सर्विस तो चाहिए, बट मेरा बस मानना ये है कि जो एक गरीब आदमी जो जुड़ा हुआ है तो अगर आप फर्स्ट एसी का कुछ हाइक कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं तो दैट ओके, बट कम से कम स्लीपर क्लास वगैरह में तो नहीं होना चाहिए। विद साहब, आप इसमें कुछ जोड़ना चाहेंगे? देखिए ऐसा है कि लेस इंपॉर्टेंट ट्रेन जो है उसमें अगर ऑक्यूपेंसी कम है
उसमें अगर डिस्काउंट मिलता है, उसकी तरफ लोग अट्रैक्ट होंगे, टोटल सीट अवेलेबिलिटी इम्प्रूव होगी। वैसे त्योहारों टाइम पर, टूरिस्ट सीजन के टाइम पर रेलवे एक्स्ट्रा ट्रेन चलाती है, पर वो ट्रेन उतनी फास्ट एवरेज स्पीड नहीं होती है जो कि राजधानी वगैरह की होती है। लेकिन असली परेशानी तो यहाँ पर फिर प्राइसिंग की हो जाती है। आई एक्सपेक्ट करता हूँ। विद साहब, असली परेशानी तो प्राइसिंग की यहाँ पर हो जाती है, क्योंकि अगर फ्लेक्सी प्राइसिंग होगी, और जैसा कि राहुल ने यहाँ पर कहा कि अगर कोई गरीब आदमी अपने घर जाना चाहता है, मान लीजिए छठ पर बड़ी संख्या में लोग बिहार जाते हैं, उस समय आप ट्रेनें तो ज्यादा चला देते हैं सर, लेकिन अगर प्राइस बढ़ा दिए जाएंगे टिकटों के, तो आम आदमी को परेशानी होगी, और वो जानता है कि वो ज्यादा पैसे देकर भी सफर करना उसे मंजूर है, लेकिन सुविधाएं उसे उस तरह की नहीं मिलती है। देखिए, रेलवे की जो फाइनेंशियल वायबिलिटी को देखिए, 80,000 करोड़ खर्च करती है और पैसेंजर ट्रेवल से 40,000 करोड़ रिकवर करती है। इसमें बर्डन ऑर्डनरी क्लास का है, इसमें बर्डन फर्स्ट एसी का या सेकंड एसी का नहीं है, इसमें बर्डन जो है सबर्बन ट्रैफिक का है, जिसकी वॉल्यूम जो है बहुत लार्ज है, क्योंकि वहाँ पर हम 60 से भी ज़्यादा जर्नी जो आदमी महीने में परफॉर्म करता है, उससे हम 12 या 15 जर्नीज के बराबर का किराया लेते हैं। अब ये चीज़ों को बदल देने में एक जो रेजिस्टेंस है वो और ज्यादा है, क्योंकि वो कम्यूटर है, उसको रोज जाना आना ही है नौकरी के लिए। ठीक तो है, आपको चूज कहीं पर करना है कि रेलवे का टोटल रेवेन्यू कुछ इम्प्रूव हो, और कुछ इम्प्रूव करने के तरीके में से एक तरीका ये है। ठीक है सर, कुछ तरीका ये भी होगा कि रेलवे अपनी फैसिलिटीज इम्प्रूव के साथ में किराया उसके हिसाब से भी मांगेगी। ये सारी चीजें ये इकट्ठी चलेंगी, मैं मानता हूँ ये इकट्ठी की जाएगी, ऐसा कोई बर्डन चलनी भी चाहिए, अनलिमिटेड भी नहीं किया जाएगा, जैसे कि कोई आप कह रहे हैं 1.5-2 साल पहले किया गया था। उसकी परेशानियां भी हमने बहुत बार सुनी भी है। प्रणब सरकार जो कि प्रेसिडेंट है इंडियन एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स के, उन्हें भी अब इस चर्चा में जुड़ने के लिए कहूंगी। प्रणब जी, अगर मैं कहूँ पिछले एक साल की ही अगर मैं बात करूँ, आपने कितना ट्रैफिक देखा है यहाँ पर रेलवेज की तरफ शिफ्ट होते हुए देन एयरलाइंस, क्योंकि टाइम की बचत के लिए जो बिजनेस वाला शख्स है वो तो जरूर एयरलाइन को चुनेगा, लेकिन क्या आपने बढ़ोतरी देखी है यहाँ यात्रियों की भी ट्रेनों में सफर करने के लिए? देखिए, हमारे जो टूरिज्म लाइन में जितने यात्री रेल की सफर करते हैं वो कनेक्टिविटी की वजह से करते हैं। जो शहरें, जो सिटीज रेलवे की अच्छी सुविधाजनक कनेक्टिविटी में आते हैं तो उसमें तो ट्रैवल करेंगे, और जहां पर मेट्रो सिटीज का सवाल आ जाता है तो वो उसमें वो ट्रैवल नहीं करेंगे। लंबी दूरी की जो यात्राएं हैं वो फ्लाइट से ही करना पसंद करेंगे, वो ट्रेन से नहीं जाएंगे। और कम से कम दूरी के जितने टूरिस्ट सिटीज होंगे तो उनको वो पसंद करेंगे, जैसे दिल्ली से आगरा जाने के लिए शताब्दी गाड़ियां हैं और जयपुर जाने के लिए है, तो ऐसी गाड़ियां वो पसंद करते हैं। ओवरनाइट ट्रेन कम लेते हैं, क्योंकि सबसे पहली बात है कि रेलवे में सेफ्टी एंड सिक्योरिटी का बड़ा इश्यू रहता है, बड़े मतलब लॉन्ग डिस्टेंस को जाने के लिए, जिसमें जो टूरिस्ट ये पसंद नहीं करता है, मगर जो कम बजट के जो टूरिस्ट आते हैं वो जरूर जाते हैं, और ऐसे में देखा भी गया है कई बार उनको थोड़ा बहुत नुकसान भी उठाना पड़ता है, कई बार उनको लोग जो है वो ठगने की कोशिश करते हैं, तो उससे उनका जो मनोबल गिरता है और उससे उसमें जो है रेलवे का नाम भी खराब होता है। समीर, आप बहुत क्लोजली रेलवेज को फॉलो करते हैं, रेलवे से जुड़ी हुई खबरों को, आपने बहुत सारे लोगों से यहाँ पर बातचीत की होगी, क्या आम आदमी तैयार है ज्यादा पैसा देने के लिए, लेकिन रिटर्न में तो वो बेटर सुविधाएं चाहेगा, लेकिन उसे वो सुविधाएं नहीं मिल रही हैं? बिल्कुल अनुया, ये सही है कि लोग ज्यादा पैसा चुकाने के लिए तैयार है, लेकिन ये ज्यादा का भी एक लिमिट होगी कि आखिर कितना ज्यादा वो दे सकते हैं, तो ये एक अपर कैप भी तय करने की जरूरत है यहाँ पर, और इसको लेकर भी लोग कह रहे हैं कि देखिए हम पैसा ज्यादा चुका सकते हैं, लेकिन वो अपर कैप को भी डिफाइन करना, तो वो भी तय करना होगा कि कितना ज्यादा पैसा देना चाहते हैं, और उसके एवज में जो सुविधाओं की बात है तो वो बहुत बेसिक है, जिसमें पंक्चुअलिटी, क्लीननेस यानी कि साफ सफाई वगैरह
इन चीजों की मांग लगातार की जाती रही है और हर बार रेल बजट पेश होता है, हर बार जब भी रेलवे के उसको आईना दिखाने की बात होती है तो यही दो तीन पैमाने हमेशा सामने होते हैं और उसी में हर बार रेलवे फेल कर जाती है। लेकिन किराए जो है अगर आप देखें पिछले तीन एक साल में धीरे धीरे अलग अलग तरीकों से बढ़ाए गए हैं और ये जो पैमाने हैं इसमें उतना सुधार होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। लेकिन एक और बात यहाँ पर आपको बता दूं कि साल 2019 को लेकर रेलवे की निगाह बनी हुई है क्योंकि रेलवे ये मानकर बैठ गई है कि 2019 में जब डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर आएगा, जब मालगाड़ी इस ट्रैक से हटकर डीएफसी की तरफ शिफ्ट हो जाएंगी, तब उनके पास खुले हाथ होंगे नई ट्रेन चलाने के लिए, नेटवर्क में और गाड़ियों को जोड़ने के लिए, और तब उनको लगता है कि 2019 के बाद स्थिति चाहे कंफर्म टिकट देने की हो, गाड़ियों की संख्या बढ़ाने की हो, तो उसमें स्थिति में काफी सुधार हो पाएगा। जी विच साहब, क्या ये इम्पोर्टेंट नहीं है रेलवेज के लिए इस बात की और ध्यान देना कि ब्रांड रेलवेज में सुधार हो? एक तरफ रेवेन्यू जरूर बढ़ रहा है, यात्री संख्या भी जो है वो करीब करीब बढ़ी है, लेकिन जो ब्रांड रेलवेज है सर, कनेक्टिविटी के चलते ज्यादा से ज्यादा लोग सफर जरूर करते हैं लेकिन उस पर असर पड़ता है, ब्रांड रेलवेज पर असर पड़ता है और उसे सुधारने की जरूरत है? जरूर है, बिल्कुल है, उसमें और एफर्ट्स चाहिए और तेजी चाहिए, उसमें इन्वेस्टमेंट्स चाहिए, सेफ्टी और सिक्योरिटी को भी ध्यान देने की ज़रूरत है। इन चीज़ों में कोई शक नहीं है क्योंकि देखिए ये रेलवे एक सुविधाजनक, चीप और रियली होलसम एक गुड एक्सपीरियंस हो, इसमें कोई मना नहीं कर सकता है, उसकी तरफ ध्यान जा रहा है। बट टोटल वॉल्यूम्स इतने ज़्यादा हैं कि उसको मैनेज करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। उसको में इम्प्रूवमेंट्स हो रही हैं पर वो इम्प्रूवमेंट्स की जो आशाएं हैं वो ज़रूर उसमें गैप है, पर वो आशाओं को पूरा करने की डायरेक्शन में काम हो रहा है और मैं मानता हूँ उसमें काम और तेज़ी से भी होगा और ये रेलवे जानती है कि यात्री से कराया जा रहा है बेहतर 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 तरीके से काम हो, क्योंकि आम आदमी की परेशानियां बहुत सारी हैं, फिर चाहे ट्रेनों की लेट लतीफी हो, साफ सफाई को लेकर मामला हो, ये बहुत ही मूलभूत चीजें हैं, साफ सफाई और साफ खाना खासतौर पर, जिनकी हर आदमी डिमांड भी यहां पर करता है। आपको सीधा मुंबई लिए चलते हैं, मेरे सहयोगी राहुल कुमार है, उन्होंने भी वहां पर कुछ लोगों से जानने की कोशिश की रेल के इस बढ़ते हुए किराए पर आम आदमी, आम मुंबई कर क्या कुछ सोचता है, आइए आपको दिखाते हैं। देखते थे अगर हम एयरलाइंस की टिकट कराते थे फेस्टिव सीजन में तो हमें सामान्य टिकट से ज़्यादा पैसे देने पड़ते थे, मगर पीयूष गोयल की अध्यक्षता में एक वरिष्ठ जो अधिकारियों की मीटिंग हुई जिसमें प्रपोज किया गया है कि जो फेस्टिव सीजन है उसमें अगर कोई रेलवे टिकट कराता है तो उसमें एक डायनेमिक फेयर लगाया जाए, इससे रश थोड़ा कम होगा। हम खड़े हैं मुंबई के मुंबई सेंट्रल स्टेशन में और आइए यहाँ जानते हैं जो आम यात्री है उनका क्या रिएक्शन है। सर, अमूमन तौर पर आप कौन से सीजन में जाना पसंद करते हैं, अपने घर या फिर कहीं और? जब छुट्टियां होती तभी लोग जाना पसंद करते हैं, मैं तो क्या हर लोग वहीं तब जाते हैं जब सीजन है फेस्टिव का, छुट्टियां चल रही, 31 मार्च, दिवाली। तो सरकार ने ये प्रपोज किया है कि आने वाले दिनों में अगर आप फेस्टिव सीजन में टिकट कराएंगे तो आपको जो सामान्य टिकट से थोड़ा ज़्यादा पैसा देना होगा, सर इस पर आपका क्या रिएक्शन होगा? एक्चुअली तो ये नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से, लेकिन सरकार ये फैसला करेगी तो हमारे पास तो और कोई ऑप्शन रहेगा नहीं, क्योंकि जो सरकार चाहे वो कर सकती है, हम तो क्या कर सकते हैं, हम उसका विरोध कर सकते हैं। तो फिलहाल ये है कि सरकार इस बात पे एक गहरी सोच डाले कि ये मत करे, क्योंकि अब यही एक सीज़न होता है जब हम घूमने जाते हैं, अगर वहीं पे भी टिकट महंगा पड़ जाएगा तो कहाँ जाएंगे हम, किस चीज़ में जाएंगे? सरकार का सर एक बात ये भी कहना है कि अगर आप ऑफ सीजन में जाएंगे तो आपको टिकट सस्ती मिलेगी, सर इस पे क्या कहेंगे आप? ऑफ सीजन में बच्चों को लेके घूमने तो नहीं जा सकते, छुट्टी नहीं मिलती है, छुट्टी मिलती है तो सैटरडे संडे होती है, तो दो दिन में तो कहीं घूमने नहीं जा सकते हैं, तो इससे अच्छा है कि फेस्टिवल पे टिकट का दाम कम करना चाहिए और आम रेगुलर में ज़्यादा बढ़ा दे तो कोई शायद कोई दिक्कत ना हो। नहीं बिल्कुल गलत है, ये तो कम होना चाहिए फेस्टिव सीजन में, अगर प्री बुकिंग पहले टाइम देती हो तो और कम होना चाहिए, फेस्टिव में तो लोग घूमने जाएंगे तो ज़्यादा होने से मतलब नहीं है ना, इट इज़ इनफैक्ट दे विल बी अ बिग लॉस, देन पीपल विल प्रीफर टू गो इन द फ्लाइट्स रादर देन द ट्रेन्स।
फ्लेक्सी डायनामिक प्राइसिंग की तैयारी जरूर यहां पर सरकार कर रही है, लेकिन आप मुंबई कर हो या फिर दिल्ली वासी हो, वो इसे ठीक नहीं मान रहा है, क्योंकि यही कहना है कि अगर हमें रेल से सफर करना है तो कम से कम पॉकेट फ्रेंडली किराए यहां पर होने चाहिए। विद साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, राहुल वर्मा थैंक यू सो मच, प्रणब सरकार आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और समीर आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।